59 साल की आइडा सिकमैन नर्स थी, आम औरत आम जिंदगी। फिर आई एक तारीख, एक रात सिकमैन सोकर उठी और सब कुछ बदला देखा उन्होंने। सुबह सुबह सिकमैन का घर एक बंटवारे की दहलीज बन गया था, माने जिस बिल्डिंग में सिकमैन रहती थी वो एक देश में रह गया और उसका दरवाज़ा दूसरे देश में खुलता था। हालांकि व्यवस्था नई नहीं थी, नया ये हुआ था कि देश के हाकिमों ने एक दीवार भी खड़ी करने का ऐलान कर दिया था, इस पार से उस पार अब कोई नहीं जा सकता था। सिकमैन का घर ठीक सीमा के बीचों बीच पड़ गया, लिहाजा उनके दरवाजे सील कर दिए गए। लोग दूसरी तरफ जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, सो एक रास्ता ढूंढा गया। बिल्डिंग के नीचे कुछ लोग एक चादर फैलाकर खड़े हो गए, जिसमें कूदकर लोग दूसरी तरफ जा सकते थे। सिकमैन का घर चौथे माले पर था, कूदना उनके लिए मुश्किल था, ऊपर से उनकी उम्र कुछ ज़्यादा थी। उन्होंने 3 दिन इंतज़ार किया, लेकिन फिर और इंतज़ार कर नहीं पाई। उस पार पहुँचने की जद्दोजहद में उन्होंने अपना सामान खिड़की से बाहर फेंका और फिर खुद भी कूद गई। चादर फैलाई हुई थी लेकिन वो काम नहीं आई। सिकमैन का सिर ज़मीन से टकराया और उनकी वहीं मौत हो गई। आइडा सिकमैन पहली शख्स थी जो बर्लिन की दीवार के चलते मारी गई। आने वाले सालों में ऐसे 150 से ज़्यादा लोग हुए जो इस दीवार को पार करने की कोशिश में मरे या मार डाले गए। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोज़ाना का कार्यक्रम तारीख। आज आपको तारीख में हम बताएंगे कहानी बर्लिन की मशहूर या कहिए कि कुख्यात दीवार की। क्यों बनाई गई थी बर्लिन की दीवार, कैसे हुआ जर्मनी का बंटवारा और कैसे एक छोटी सी गलती इस दीवार के गिरने का कारण बनी, चलिए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई। बड़ा सवाल था कि आगे जर्मनी का क्या होगा। मित्र राष्ट्रों ने मिलकर एक योजना बनाई, एलाइज ने। जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। स्पॉइल्स ऑफ वॉर 4 विजेता देशों में बंट गए। 4 हिस्से 4 देशों के कंट्रोल में, फ्रांस, US, ब्रिटेन और सोवियत रूस। आगे चलकर फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन तो दोस्त बने रहे, तीनों ने अपने इलाके मिला ही लिए एक तरह से, लेकिन सोवियत रूस और पश्चिम के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया। लिहाजा 4 हिस्सों में बटा जर्मनी प्रैक्टिकली 2 हिस्सों में बट गया। 2 नए देश बने, एक हिस्से को नाम मिला फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, आमतौर पर इसे वेस्ट जर्मनी बुलाया जाता था, उन्हीं के प्रभाव वाला देश। यह हिस्सा अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के कंट्रोल में रहा, जबकि दूसरे हिस्से को नाम दिया गया जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या शॉर्ट में GDR, ईस्ट जर्मनी भी बोला गया। ये सोवियत रूस के कंट्रोल में रहा। कोल्ड वॉर के दिन थे वो, इसलिए वेस्ट जर्मनी का भविष्य अमेरिका की साख का सवाल बन गया। लिहाजा यहाँ खूब पैसा पंप किया गया, जमकर विकास हुआ, जबकि ईस्ट जर्मनी की मूल्यवान संपत्ति उठाकर मॉस्को भेज दी गई। ईस्ट जर्मनी पिछड़ने लगा। शुरुआत में ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच कोई पक्की बॉर्डर नहीं थी। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के दोस्त थे, रिश्तेदार भी थे, इसलिए आना जाना लगा था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये आना जाना पलायन में तब्दील हुआ। बेहतर जिंदगी की तलाश में ईस्ट जर्मनी से लोग वेस्ट जर्मनी जाने लगे। 1949 से 1961 के बीच 30 लाख लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी चले गए। इनमें अधिकतर वो थे जो वर्कफोर्स का ही हिस्सा थे, पढ़े लिखे काम करने वाले जवान लोग जो काम की तलाश कर रहे थे, रोजगार की तलाश। इनके जाने से ईस्ट जर्मनी को तगड़ा झटका लगा, इसलिए 1961 में सोवियत संघ के नेताओं ने इस पलायन को रोकने के लिए एक योजना बनाई। अगस्त महीने में एक रोज जब लोग सोकर उठे, उन्होंने देखा कि हजारों सैनिक ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की सीमा पर कतार बनकर खड़े हो गए हैं। रातों रात ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी जाने पर रोक लगा दी गई, सीमा पर एक बाड़ लगा दी गई, तार खींच दिया गया और उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। हालांकि ईस्ट जर्मनी के लोगों के पास वेस्ट जर्मनी के कुछ रास्ते अभी भी बचे थे जाने के। ये रास्ता बर्लिन से होकर जाता था। अब बर्लिन की कहानी थोड़ी पेचीदा थी। बर्लिन जर्मनी की राजधानी था, लेकिन वो पड़ता था पूरी तरह ईस्ट जर्मनी के अंदर। अब वेस्ट जर्मनी बर्लिन को छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि वो कैपिटल है। इसलिए समझौता हुआ कि बर्लिन के भी 4 हिस्से होंगे या 2 हिस्से होंगे, आप लगा लीजिए। ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन बनेंगे। ये कहने को 2 शहर थे, लेकिन लोग यहाँ से वहाँ जाने को आज़ाद थे। ये आज़ादी तब भी बरकरार रही जब बाकी देश में आवाजाही पर रोक लगाई गई। ईस्ट जर्मनी के लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। लोग पहले ईस्ट बर्लिन आते, वहाँ से वेस्ट बर्लिन चले जाते और वेस्ट बर्लिन से एक ट्रेन सीधा वेस्ट जर्मनी तक जाती थी। लोग इसका इस्तेमाल कर पलायन करने लगे। इस परेशानी से निजात पाने के लिए सोवियत सरकार ने फैसला लिया कि शहर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी की जाएगी।
इस तरह नींव पड़ी बर्लिन की दीवार की। हालांकि जिसे हम बर्लिन की दीवार कहते हैं वो एक वचन की बजाय बहुवचन थी, एक एरे ऑफ वॉल्स थी या ऑब्स्टेकल्स थी। 155 किलोमीटर की लंबाई में आमने सामने कंक्रीट की दो ऊंची दीवारें थी जिनकी ऊंचाई थी 13 फीट। दोनों दीवारों के बीच 100 मीटर की जगह छोड़ी गई थी जिसे जर्मन लोग एक खास नाम से बुलाते थे, डेथ ट्रैप। डेथ ट्रैप क्यों? क्योंकि कोई शख्स अगर 13 फीट ऊंची दीवार किसी तरह फांद भी ले तो उसे इस 100 मीटर चौड़ाई वाली जगह को पार करना पड़ता था जहां चप्पे चप्पे पर सिपाही दिन रात पहरा दिया करते थे। किसी को भी देखते ही गोली मारने का आदेश था। इनसे बच गए तो लैंड माइंस बिछी हुई थी और ट्रिप वायर्स थे जिन्हें छूते ही मशीन गन की गोलियां चलने लगती। इस डेथ ट्रैप को पार करना लगभग नामुमकिन था लेकिन फिर भी कई लोग थे जिन्हें ये दीवार रोक नहीं पाई। 1961 से 1989 के बीच 1,00,000 से ज्यादा बार इस दीवार को पार करने की कोशिश हुई। तीन भाइयों की एक कहानी बड़ी मशहूर है, वो भी सुना देते हैं आपको। सबसे बड़ा भाई था इनगो बेथके। 1975 में इनगो ने अपने एक दोस्त के साथ दीवार में छेद किया। इसके बाद सावधानी से गार्ड्स को छकाते हुए वो आगे बढ़ा। दीवार के पास एक नदी बहती थी। इनगो ने नदी में एक गद्दा डाला जो हवा भरते ही फूलता था, इन्फ्लेटेबल मैट्रेस। इसके बाद वो गद्दे पर बैठकर नदी पार करता है और वेस्ट जर्मनी पहुंच जाता है। हालांकि इनगो के दो भाई अभी भी ईस्ट जर्मनी में ही थे जिन्हें वो बराबर खत लिखा करता था। इन्हीं खतों के दरमियान एक और प्लान बना। मझले भाई का नाम था होगलर। साल 1983 में होगलर ईस्ट जर्मनी वाली साइड में बनी एक लंबी बिल्डिंग की छत पर गया। यहां से उसने दीवार की दूसरी तरफ एक तीर मारा। तीर से एक रस्सी बंधी हुई थी जिसे दूसरी तरफ मौजूद इनगो ने पकड़ा और एक बिल्डिंग में जाकर ऊंचाई पर बांध दिया। इस तरह ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच एक जिप लाइन तैयार हुई जो दीवार के ऊपर से होकर गुजरती थी और इस जिप लाइन के सहारे दूसरा भाई भी वेस्ट जर्मनी में दाखिल हुआ। वो जैसे पकड़ के आप जाते हैं। अब बचा था सिर्फ एक भाई, सबसे छोटा एकबर्ट। इसे लाने के लिए होगलर और इनगो ने 5 साल तक इंतजार किया। इस बीच दोनों ने दो छोटे प्लेन्स खरीदे और उन्हें उड़ाना सीखा। 1989 में ये दोनों प्लेन उड़ाकर ईस्ट जर्मनी गए और अपने भाई को भी इस पार लेकर आए। दीवार पार करने की ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं। सुरंगें खोदी गई, सीवर का इस्तेमाल हुआ, एक आदमी ने तो खुद को एक बड़े से रेडियो सेट में छिपाया ताकि उसे स्मगल किया जा सके। ऐसे तरीकों से 20 साल में 5,000 से ज़्यादा लोग बर्लिन की दीवार पार करने में सफल हुए। हालांकि 150 से ज़्यादा ऐसे भी थे जो दीवार पार करने की जुगत में मारे गए। इन सालों में कई बार दीवार को गिराने की मांग उठी लेकिन सोवियत संघ तैयार नहीं हुआ। 1987 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने बर्लिन में एक मशहूर भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा, मिस्टर गोबरचॉफ प्लीज इस दीवार को गिरा डालिए। उस वक्त रीगन की मांग का कोई खास असर हुआ नहीं लेकिन जल्द ही परिस्थितियां ऐसी बनी कि लोगों ने खुद ही दीवार गिराई। कैसे गिरी ये दीवार? 90 का दशक आते आते सोवियत संघ मुसीबत में आ गया था। वो एक्सपेरिमेंट पनप नहीं रहा था। सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचोव नए सुधार लाना चाहते थे। नतीजा हुआ कि सोवियत संघ कई देशों में विघटित होने लगा, विद्रोह शुरू हुए। 1989 में एक और घटना हुई। ऑस्ट्रिया और हंगरी ने अपने बॉर्डर एक दूसरे के लिए खोल दिए। दोनों अलग अलग खेमों में थे। हंगरी था सोवियत खेमे में और ईस्ट जर्मनी के एकदम बगल में। लिहाजा हुआ यह कि ईस्ट जर्मनी के लोगों ने हंगरी के रास्ते ऑस्ट्रिया में घुसना शुरू किया और जैसा पहले बताया, चूंकि ऑस्ट्रिया दूसरे खेमे में था, लोग यहां से वेस्ट जर्मनी जा सकते थे। ऐसा ही कुछ हाल चेकोस्लोवाकिया में भी था। चेकोस्लोवाकिया के रास्ते भी पलायन शुरू हुआ जिसके कारण ईस्ट जर्मनी और सोवियत सरकार पर दबाव पड़ने लगा। लोग सड़कों पर थे और नारे लगा रहे थे कि हमें बाहर जाना है। बाहर जाते लेकिन कैसे? इस समय तक बर्लिन की दीवार में कुछ चेक पॉइंट्स बने हुए थे जिनसे आर पार जाया जा सकता था लेकिन उसके लिए एक परमिट चाहिए था, एक पास लगता था। पास भी स्पेशल परिस्थितियों में ही आपको मिलता था। अब लोग इन नियमों में चाहते थे ढील, कि इतना फॉर्मल नहीं होना चाहिए। इसलिए ईस्ट जर्मन सरकार ने लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए कमेटी बनाई ताकि वो ज्यादा पासेस इशू करने के रास्ते निकालें। इस कमेटी ने कुछ नए नियम बनाए और उन्हें सरकार को सौंप दिया। नए नियम होने थे चरणबद्ध तरीके से लागू, लेकिन इन्हें लागू करने के चक्कर में एक छोटी सी गलती हुई। 9 नवंबर 1989 की ऐतिहासिक तारीख थी। उस रोज ईस्ट जर्मन सरकार के एक नेता गंथर स्काबोव्स्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें नए नियमों की घोषणा होनी थी। स्काबोव्स्की को प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ मिनट पहले एक नोट मिला जिसमें नए नियम और बाकी बातें लिखी हुई थी। उसमें उन्होंने कुछ नोट्स भी लिए थे अपनी राइटिंग में। गलती ये हुई कि उन्होंने पूरा दस्तावेज पढ़ा नहीं और घोषणा कर दी कि ईस्ट जर्मनी के लोग अब आसानी से आर पार जा सकेंगे, सबको आसानी से पासिस भी मिलेंगे। ये नियम वैसे लागू होने थे अगले दिन से और उसके लिए पासपोर्ट लेना जरूरी था।
लेकिन जब स्काबोव्स्की से एक पत्रकार ने पूछा कि नए नियम कब से लागू होंगे, उन्होंने बोल दिया आज और अभी से विद इमीडिएट इफेक्ट। फिर क्या था, दुनिया भर के टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स इस खबर को दिखाने लगे। ईस्ट जर्मनी में जैसे ही रात 10:30 बजे इस खबर का प्रसारण हुआ, हजारों लोग दीवार के पास जमा हो गए और गार्ड से मांग करने लगे कि उन्हें दूसरी तरफ जाने दिया जाए। गार्ड्स को पता था कि बिना पास के जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन भीड़ इतनी बड़ी थी कि गार्ड्स कुछ कर नहीं पाए। गेट्स खोल दिए गए, हजारों लोगों ने सालों बाद वेस्ट जर्मनी में कदम रखा और वहां किसी जश्न जैसा माहौल नजर आया। वेस्ट जर्मनी के लोग दूसरी तरफ शैंपेन और फूल लेकर इंतजार कर रहे थे। देखा देखी कुछ लोग दीवार के ऊपर चढ़े, नाच गाना हुआ। उस दिन ये साफ हो गया कि दीवार चाहे अभी भी खड़ी हो, लेकिन अब उसके कोई मायने नहीं बचे हैं। बर्लिन की दीवार का गिराया जाना 20वीं सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से सोवियत संघ की भी उल्टी गिनती शुरू हुई। मशहूर राजनीतिक विचारक फ्रांसिस फुकुयामा ने इस घटना पर कहा था, इतिहास का अंत हो चुका है। बर्लिन की दीवार गिराए जाने के 11 महीने बाद ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का विलय हुआ। कुछ वक्त बाद सोवियत संघ का भी विघटन हुआ। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि बर्लिन की दीवार गिरने की तारीख 9 नवंबर 1989 मानी जाती है, लेकिन आधिकारिक रूप से दीवार ढहाने का काम 1990 में शुरू हुआ। लोगों ने हथौड़े और कुल्हाड़ियाँ उठाईं और खुद ही दीवार गिराने लगे। 100 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी इस दीवार का अधिकतर मलबा दूसरे निर्माण में इस्तेमाल कर लिया गया। हालांकि कुछ टुकड़े थे जिनकी नीलामी हुई और कई देशों के म्यूजियम में इन्हें सहेज कर रखा गया। इसी के साथ तारीख का आज का एपिसोड खत्म होता है। इसे कमल ने लिखा और जतिन ने कैमरे पर रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लालन टॉप।